तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राउन ज्वेल 2019 से जुड़े उन लास्ट मिनट चेंजेस की जो कि हमें अभी देखने को मिलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। गाइस WWE का नेक्स्ट पीपीवी क्राउन ज्वेल अभी से थोड़ी देरी में स्टार्ट होने वाला है। क्राउन ज्वेल दोस्तों 9:30 बजे आएगा, जहां दोस्तों किक ऑफ के अगर आप शौकीन नहीं है तो आप 10:30 बजे भी ट्यून इन कर सकते हैं, लेकिन किक ऑफ दोस्तों 9:30 बजे आएगा, तो 9:30 बजे आपको सोनी 10 नेटवर्क लगा लेना चाहिए। तो गाइज इस बार के क्राउन ज्वेल में बहुत से मैचेज तय हो चुके हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत से शॉक्स भी हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 4 लास्ट मिनट चेंजेस और अपडेट्स जो कि हाल फिलहाल में बताए जा रहे हैं। तो चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है अंडरटेकर रिटर्न्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अंडरटेकर की वापसी आपको इस पीपीवी यानी कि क्राउन ज्वेल में होते हुए नजर आ सकती है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों यह है कि जो वहां के प्रिंस है और जो जनता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा मांग उठा रही है चीज की कि उन्होंने फिनोम को देखना है। इससे पहले मैं आपको ये चीज भी बता चुका हूं कि अंडरटेकर सऊदी पहुंच चुके हैं। अंडरटेकर दोस्तों सऊदी सबसे पहले पहुंच गए थे और आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी, जिसमें विंस मैकमैन उनके साथ थे। तो अंडरटेकर दोस्तों सऊदी में अपीयर हो सकते हैं इस इवेंट यानी कि इस पीपीवी के अंदर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों वहां की जनता को चाहिए ही चाहिए अंडरटेकर, और गाइस यहां माना जा रहा है कि अंडरटेकर इस इवेंट में आकर एक प्रोमो काट सकते हैं या फिर किसी रेसलर की धुनाई वो कर सकते हैं। तो अंडरटेकर का दोस्तों यहां हमें रिटर्न होते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों, ड्यू टू हिज पॉपुलैरिटी। और गाइस आप रख के चल सकते हैं कि अंडरटेकर हमें यहां देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के दोस्तों नंबर 3 के ऊपर, और नंबर 3 पर आता है दोस्तों नटालिया वर्सेस लेसी का मैच, वो भी बहुत सारे कपड़ों में। तो आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कपड़ों से रिलेटेड कोई भी कानून नहीं है, वहां आप अधनग्न अवस्था में भी घूम सकते हैं, लेकिन सऊदी के अंदर ऐसा नहीं चलता है। सऊदी में चलता है शरिया कानून, जिसके तहत कपड़े पहनने पड़ते हैं महिलाओं को, और यहाँ दोस्तों इन पर भी सेम कानून लागू होने वाला है। और जब ये मैच होगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये चीज़ लिखकर दे सकता हूँ कि बहुत सारे कपड़े पहनी होगी, पूरी की पूरी ढकी होंगी ये दोनों महिलाएं, और फिर ये मैच होगा। और गाइज आपको ये चीज़ शॉक कर सकती है, और इसीलिए मुझे आपको ये बतानी थी। लेकिन अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 के ऊपर। तो गाइज नंबर 2 पर आता है क्राउन ज्वेल के ब्रांड न्यू फायरवर्क्स, या फिर कह लीजिए ब्रांड न्यू पायरो। तो आप देख सकते हैं कैसे धमाके वहां चालू है। ये वीडियो दोस्तों ट्विटर से ली गई है, और यहां दोस्तों जो जिन लोगों ने ये चीज़ डाली है वो खुद सऊदी से है और इवेंट के अंदर वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस बारी थिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन दोस्तों यहाँ पायरो देखने के काफी मजे आने वाले हैं, ये चीज तो होके ही रहेगी। साथ ही साथ इसी से जुड़ी नंबर 2 के ऊपर अपडेट ये भी दिए देता हूं कि माना जा रहा है कि रिक फ्लेयर यहां बंप लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों मैच जो होगा यानी कि रोमन रेंस की टीम और रैंडी ऑर्टन की टीम के मध्य, वहां जो उनके मेंटोर है यानी कि जो रिक फ्लेयर और हल्क होगन है, वो बाहर लड़ जाने वाले हैं। आउटसाइड उनके बीच में भिड़ंत हो जाएगी एक समय पर, और वहां दोस्तों हल्क होगन उनके पटाखे रखने वाले हैं, यानी कि रिक फ्लेयर वहां मार खाने वाले हैं, ये चीज भी मानी जा रही है। लेकिन दोस्तों अब हम चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 के ऊपर। नंबर 1 पर जो लास्ट मिनट चेंज सामने आया है वो दोस्तों काफी बड़ा है, और वो है दोस्तों बैटिंग ऑड्स में टायसन फ्यूरी का पलड़ा भारी होना। तो गाइज बैटिंग ऑड्स बदल चुके हैं, इस चीज की सूचना मैंने आपको सुबह ही दे दी थी कि ये होके ही रहेगा, ये ऑड्स बदल जाएंगे या फिर इसके विपरीत कोई चीज होगी, ऐसा मैंने आपको कहा था। और अब ऑड्स चल रहे हैं टायसन फ्यूरी के पक्ष में। ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच को नहीं जीतने वाले, ऐसा माना जा रहा है। यहां दोस्तों मोस्ट प्रोबेबल थिंग जो आपको देखने को मिलेगी वो ये कि ये मैच शॉर्ट होगा, ये मैच 2 से 4 मिनट का होने वाला है, इससे लंबा मैच ये नहीं जाएगा, क्योंकि टायसन फ्यूरी ज्यादा रेसलिंग जानते भी नहीं है। दूसरी चीज इस मैच में ये रहने वाली है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन अगर इस मैच को हारते हैं तो वो शायद किसी बॉक्सिंग मूव के जरिए हारे, क्योंकि बॉक्सिंग मूव के जरिए अगर वो हारते हैं तो ये चीज कही जाएगी कि बॉक्सर ने मारा तो वो नॉकआउट होगा। यानी कि दोस्तों यहां प्रोबेबली आपको टीकियो
या फिर नॉकआउट होते हुए ब्रॉन स्ट्रोमैन नजर आने वाले हैं। टायसन फ्यूरी इस मैच को इसीलिए भी जीतने वाले हैं क्योंकि उनका बॉक्सिंग में रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है। तो गाइस कुल मिलाकर ये चार थिंग्स आपको इस बार के क्राउन जोल में देखने को मिल सकती है जो कि थोड़ी सी देरी में स्टार्ट होने ही वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसके अलावा बाकी के मैचेस की प्रेडिक्शन तो उसकी वीडियो दोस्तों ऊपर आ रही है आई के बटन पर, उस पर क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे कि किसका पलड़ा कितना भारी है। बेटा आज की वीडियो इतनी सी, तो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।